हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीटीसी या डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से जो आपका एसएसटी का जो कोर्स शुरू किया है मैंने। यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा कि केवल एक ही पार्ट अभी तक मैं अपलोड कर पाया था, लेकिन आप लोग परेशान बिल्कुल ना होइएगा। आप लोगों का जो सिलेबस है पूरा वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टडी और अन अकेडमी मिला करके कम्प्लीट करवाया जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि संस्कृत को लेकर के और आपका जो मैथमेटिक्स है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पे सब कुछ होगा कंप्लीट पूरा। बाकी उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं, छह सब्जेक्ट आपके, वो आपको अन अकेडमी पर मिलेंगे। चूँकि कई आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आपका एसएसटी भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स और हैं जो भी वो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर भी बताता चलूँगा। तो दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पर। अगर मैं बात करूँ आपके सिलेबस को लेकर के, तो शुरुआत में ही आपका मुगल काल था। आप लोग अच्छे तरीके से देखे होंगे मुगल काल संक्षेप में, या भारत में मुगल साम्राज्य को लेकर के क्या कुछ बातें जो है देखने को मिलती हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर हम बात कर रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बात होने वाली है पूरी तरीके से आपका वो है, एक राजा के बारे में हम बात कर चुके थे, बाबर के बारे में, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद के बाबर के बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर हम हुमायूं के बारे में, जी हाँ, हुमायूं को लेकर के पूरी तरीके से चलेंगे। जो सेकंड आपके एक तरीके से राजा जो है वो देखने को मिलते हैं, वहाँ पर बादशाह आप बोलो वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप चाहें तो देख सकते हैं, चूँकि बाबर को मैंने इंक्लूड कर दिया है इसमें, ठीक है। बाकी कुछ पॉइंट्स मैं अलग से भी बताता चलता हूँ। यहाँ पर मेन पॉइंट्स जो मैंने लिख रखे हैं, अलग पॉइंट भी मैं बताता चलता हूँ, तो आप चाहें तो उसको अलग से नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। इनके इंपॉर्टेंट जो युद्ध हैं, पानघाट, चलघर, ये ट्रिक वाली, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सब मैं बता चुका हूँ पार्ट वन में, ये पार्ट टू है आपका सोशल स्टडीज़ का। तो इसमें हुमायूं को लेकर के चलिए हम बात करते हैं और शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, अगर हुमायूं को लेकर के बात की जाए तो इनका पूरा नाम आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा अलग से। उसके बाद अगर इनके पिताजी का नाम, चूँकि हम बाबर को पढ़ के आए हैं, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, तो ये इनके पिताजी हैं, ठीक है। इनका जो मकबरा है, देखिए मकबरा को लेकर के अक्सर क्वेश्चन जो है सवाल पूछने को देखने को मिलता है, तो इनका मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में है, ठीक है, इसका भी आपको ख्याल रखना है। उसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पर आप देखिए इनकी समय सीमा को, सबसे पहले समय सीमा को देखिए आप, हुमायूं की जो समय सीमा है मतलब शासनकाल को लेकर के, वो 1530 से लेकर के 1540 के बीच में है, और उसके बाद फिर 55 से लेकर के 56 के बीच में है, ठीक है। तो आप ये कभी मत लिखिएगा आपके आंसर में, अगर पूछा जाता है कि 1530 से लेकर के 1556, चूँकि बीच में 40 से लेकर के 55 तक लगभग 14 से 15 साल तक जो है किसी और का शासन था। किसका शासन था, किसके कौन सा शासन देखने को मिलता है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। ये नीचे ही लिखा हुआ है आपका कि कन्नौज के युद्ध, जी हाँ, ये बेलग्राम कन्नौज वही है आपका, अभी थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कन्नौज के युद्ध 1540 में सूरी द्वारा, कौन है ये, शेरशाह सूरी हैं जो है, शेर खान जिनको पहले जिनका नाम था, उनके द्वारा हार जो है एक तरीके से पराजित हो करके जो है, और कहाँ पे गए ये, कहाँ पे रहे आपका, अफगानिस्तान चले गए, वहाँ पर चले गए क्या कुछ था, और वहाँ पर जो सूर अफगान था प्रमुख, जी हाँ, सूरी अफगान प्रमुख, कौन था, शेरशाह सूरी जो है, सूरी अफगान प्रमुख था, इनके द्वारा इनको पराजित किया गया, ये निर्वासित कर दिए गए जो है, एक तरीके से भेज दिए गए मतलब भाग गए एक तरीके से, ये भी बोल सकते हो आप जो है, मैं हुमायूं की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी बातें देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब है, लगभग इन 15 सालों में किसका वंश था, सूर वंश का शासनकाल था, किसका, सूर वंश का। तो थोड़ा सा अगर मैं बात करूं कि इन्हीं, यही हुमायूं हैं, इन्हीं की जो बेगम थी, अगर मैं बात करूं, या हुमायूं का जन्म जो है वो बाबर की पत्नी एक थी माहम बेगम जो है, उनके द्वारा जो है ये एक तरीके से पैदा हुए थे। हुमायूं की छह पत्नियां थीं, यहाँ पर आपका ये भी लिखा हुआ है कुछ इनके व्यक्तिगत, अगर उसको लेकर के अगर बात की जाए। तो दोस्तों, अगर राज्याभिषेक को लेकर के बात की जाए कि ये शासन में कब आए, अगर हुमायूं को लेकर के हम बात करते हैं, तो 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई थी। कब, 26 दिसंबर को 1530 में, 1530, और 30 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की आयु में जो है इनका राज्याभिषेक किया गया, हुमायूं की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपके सेकंड वो हैं, ठीक। सैन्य अभियानों को लेकर के थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अलग से, अगर इनके सैन्य अभियानों के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
जो पहला था वो था कालिंजर का युद्ध लड़ा गया था 1531 में, डेट्स याद रखिएगा, 1531 में लड़ा गया था। और इनका वो जो अभियान था गुजरात के शासक थे बहादुर शाह की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए किया गया था। फिर दौहरिया का युद्ध आया 1532 में, दौहरिया आप ऐसे लिखोगे दौहरिया, इसका युद्ध जो है वो 1532 में, ठीक है। और उसके बाद चुनार का युद्ध था 1532 में ही। चलिए फिर शेरशाह से संघर्ष, देखिए शेरशाह से संघर्ष जो है 1537 में ही शुरू हो गया था, ठीक है, 1537 में। लेकिन जो आपका 1540 का जो बेलग्राम का युद्ध हुआ था वहाँ से जाकर के सूर्य वंश जो है अपनी एक तरीके से धाक अपनी सत्ता को जमाने में समर्थ हुआ। कहाँ पे? जब आप दिल्ली सल्तनत और आसपास के इलाकों को लेकर के बात करेंगे, ठीक है। और इसी के बाद आपका आया किसका, बेलग्राम का युद्ध, बहुत पूछा जाता है ये, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बेलग्राम जिसको आप बोलते हो कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध, ये आपका हुआ था 17 मई 1540 को, ठीक है। ये आपका बेलग्राम का युद्ध है 1540 को हुआ था। आप लोगों को मैं बता दूं कि हुमायूं का निर्वासन, यानी कि बेलग्राम और कन्नौज में लड़ी गई, बेलग्राम या कन्नौज वही है आपका, में लड़ी गई लड़ाई में यद्यपि हुमायूं के साथ उसका भाई, हुमायूं के साथ उसके भाई हिंदाल और अस्करी दो भाई भी थे उनके जो है, ये नाम है उनके हिंदाल और अस्करी, और इसके बावजूद जो है ये युद्ध हार गए। मैं इसीलिए इसको डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि बेलग्राम का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये साथ में थे परंतु फिर भी जो है पराजय हुई और हुमायूं जो है एक तरीके से निर्वासित हुआ। और ये कहाँ भाग करके गए एक तरीके से, ठीक है, आपके कंधार में, काबुल में थे, वहाँ अफगानिस्तान में ये, ठीक है, वहाँ चले गए। उसके बाद तो हुआ ये कि उन 15 सालों में लगभग सूर वंश का शासनकाल रहा। आप लोगों को मैं बता दूँ 1540 से लेकर के 45 तक शेरशाह का शासनकाल था, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा, शेरशाह सूरी का शासनकाल था। 45 में ही जो है इनकी मृत्यु हुई, किसकी, शेरशाह सूरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 45 में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसके बाद इनका जो पुत्र था शेरशाह का, इस्लाम शाह नाम था, इस्लाम शाह, उसने जो है जो दिल्ली सल्तनत था या जहाँ वहाँ जो गद्दी की बात थी उसको संभाला। तो ये चीज़ कनेक्ट करके चलिएगा। आपसे कोई पूछता है कि शेरशाह का शासनकाल, तो 1540 से लेकर के 45 तक केवल 5 साल के लिए था, बाकी सूर वंश का था, उनके लड़के लोगों ने बाकी शासन किया, ठीक है, लगभग 10 साल जो बचे उसमें। चलिए फिर दोस्तों बात आती है, इनके निर्वासन हुआ और उसके बाद फिर से इनकी वापसी हुई। अगर वापसी को लेकर के बात की जाए तो वो सरहिंद का युद्ध था, यानी कि हुमायूं की पुनः राज्य प्राप्ति, चूँकि हम हुमायूं पढ़ रहे हैं अभी, राज्य प्राप्ति कब हुई इनकी, सरहिंद के युद्ध में, ये है सरहिंद, आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखोगे, आप ऊपर बिंदी लगाइए, दा के आगे ना लगा दीजिए। ये आपका हुआ था 22 जून 1555 को, ठीक है। ये सरहिंद का युद्ध हुआ था, इस संघर्ष में अफगान सेना का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर सूर और मुगल सेना का नेतृत्व जो है वो बैरम खान ने किया था, वही बैरम खान अकबर वाले। इस संघर्ष में अफगानों की पराजय हुई यहाँ पर, और 23 जुलाई 1555 को एक बार पुनः जो है दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि फिर से वो आए, लेकिन इनकी किस्मत ख़राब थी, या जो भी कहा जाए कि साल 6 महीने के लगभग अंदर ही 1556 में जनवरी 1556 में दीन पनाह, ध्यान दीजिएगा, पुस्तकालय जो थी, लाइब्रेरी दीन पनाह करके नाम था उस भवन का, दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई 1556 में, ठीक है। तो आप यही देख रहे होगे यहाँ पे, देखिए सब लिखा हुआ है कि अमरकोट में इनकी पत्नी ने, थोड़ा सा मैं जूम किए देता हूँ, अब दिखेगा आपको, ठीक है, यहाँ पर 15 अक्टूबर 1542 को अकबर को जन्म दिया था, 1555 में हुमायूं पुनः गद्दी पर बैठा, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मौत। और इन्होंने जो लिखा, इनकी जो है बहन ने, गुलबदन बेगम ने, हुमायूं नामा, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है, ये आपको दिख रही होगी यहाँ पर, हुमायूं नामा, ठीक है, गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई। तो मैं आशा कर सकता हूँ कि इतने बिंदु आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अकबर के बारे में चलिए बात कर लेते हैं अब, यहाँ पे हुमायूं का खत्म होता है, शेरशाह को लेकर के बीच में हम बात कर लेंगे, चूँकि 15 साल उनका शासनकाल था। अकबर 1556 to 1605, पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, आपको दिख रहा होगा, सेनापति बैरम खान इनके सेनापति का नाम था। आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ डेट लिखी हुई है 1556 to 1561, दोस्तों जलालुद्दीन मोहम्मद
अकबर 13 साल के थे केवल जब ये गद्दी पर बैठे थे। तो इस ड्यूरेशन में 1556 से लेकर के 61 तक, मतलब 1957-1958-61, इतने सालों में बैरम खान ने ही पूरी तरीके से सत्ता को देखा था। ठीक है, वही बैरम खान है जिन्होंने हुमायूं को राजगद्दी दिलाने में जो है मदद की थी सरहिंद के युद्ध में, किसको हरा करके, वही जो सूर थे आपके सिकंदर सूर, सुल्तान सिकंदर सूर, सूर शासनकाल, आप शेर शाह सूरी मत लिखिएगा क्योंकि वो तो 45 में मर गए थे, डेथ हो गई थी उनकी। ठीक है, तोप खाने से एक तरीके से आपका किस तरीके से गोला गिरा और उसके बाद जो है उनकी मृत्यु हुई थी, ये जब हम शेरशाह सूरी को हम देखेंगे तो पढ़ेंगे तब तो उनके बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। इनको इनकी 13 पत्नियां थीं, आप देख पा रहे होंगे मैंने 13 वाइफ्स करके लिखा हुआ है। इनका जो धर्म था सुन्नी इस्लाम धर्म था और दीन इलाही इन्होंने खुद चलाया था। ठीक, आयने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। जब मैं अकबर को लेकर के बात करूँगा, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, कुछ अनअकैडमी को लेकर के है, जो नहीं जानते उनके लिए गूगल प्ले स्टोर से आप लोग अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मेरे नाम महेश मिश्रा से जब आप सर्च करेंगे तो कुछ ऐसी मेरी प्रोफाइल दिखेगी, इस नाम से सर्च करेंगे तो ऐसे प्रोफाइल दिखेगी, आपको यहाँ पर फॉलो पे फॉलो करना होगा। बाकी आपके कोर्सेज वहाँ अवेलेबल हैं, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का पूरा कोर्स अवेलेबल है। अपने जूनियर्स को भी प्लीज़ इन्फॉर्म करें कि वो लोग वहाँ से जा कर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई समस्या है, कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए फिर आते हैं यहाँ पर आपका अकबर पर ही। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि 14 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। जी हाँ, यहाँ पर 14 नहीं, आप 13 कर लीजिएगा, कहीं 14 मिलता है कहीं 13, लेकिन 13 ईयर है। ठीक है, अनपढ़ थे ऐसा माना जाता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अफगान हेमू और बैरम खान यानी कि अकबर, देखिए ब्रैकेट में मैंने अकबर इसलिए लिख रखा है, ये अकबर के सेनापति थे, अकबर ही नहीं थे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मतलब राजा आपके अकबर थे, काम बैरम खान करते थे, तो उन्होंने यहाँ पर हेमू शेरशाह के काल का था और उसने दिल्ली व आगरा पर कब्जा किया हुआ था। इस युद्ध की बाद जो है दिल्ली पर पुनः, दिल्ली और आगरा को पुनः जो है जीता गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो सेकंड आपका पानीपत का युद्ध हुआ था वो आपको 1556 में हुआ था। अकबर ने गुजरात, बंगाल, काबुल, देखिए मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, कश्मीर हो गया, सिंध, कंधार आदि को जीता, उड़ीसा, उत्तरी दक्कन को भी जीता। सिकंदरा में इनका मकबरा देखने को मिलता है, सिकंदरा आपका आगरा में है। इनका जो पुत्र था सलीम यानी जहांगीर, इसके बाद वो राजा बने। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत भी इन्होंने की। ठीक है, एक बार देखिएगा मनसबदारी क्या है आपका, कहीं ना कहीं से कर वसूलने को लेकर के आपके उससे संबंधित है तो आप एक बार बताइएगा, मैं फिर से देख लूँगा इसको। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर ही था। सती प्रथा को ख़त्म करने के बाद दोस्तों, अगर सती प्रथा की समाप्ति को लेकर के बात की जाए, दास प्रथा को, दास प्रथा जो थी 1562 में इन्होंने ही ख़त्म किया था। अभी थोड़ा सा हम बात कर लेंगे कि इन्होंने क्या कुछ ख़त्म किया था। ठीक है, महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा नाम था, अनुवाद इन्होंने ही करवाया था। भू राजस्व सुधार जो है टोडरमल देखते थे यहाँ पर, इनके यहाँ पे, और उपासना भवन या पूजा ग्रह, पूजा ग्रह का नाम इन्होंने इबादत खाना रखा था। कुछ यहाँ पर सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ और उनको लेकर के बातें लिखी हुई हैं, तो संगीतज्ञ में तानसेन और वैजू बावरा, तुलसीदास इन्हीं के शासनकाल से रिलेटेड थे, ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, इनका राज्याभिषेक जो है वो कालानौर में हुआ था। कवि फैजी भी यहीं से थे, पंचमहल भी इन्होंने बनवाया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के हम बात कर लिए हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ से कि दास प्रथा को ख़त्म को करने को लेकर के ख़त्म किया 1562 में, ये डेट आप लिख दीजिएगा, लिख लीजिएगा, मतलब तीर्थ यात्रा कर को कर की समाप्ति 1563। उसके बाद जजिया करके समाप्ति इन्होंने जो कर की, आपको पता होगा हिंदुओं पर लगाया जाने वाला एक तरीके से तीर्थ यात्रा जो है गैर मुस्लिमों पर एक तरीके से था, जजिया हिंदुओं पर, तो 1564 में जजिया करके समाप्ति। उसके बाद अकबर ने एक नए धर्म दीन इलाही धर्म की जो घोषणा की थी वो आपका चलाया था इन्होंने 1582 में, 1582 में। वहीं जैनियों के प्रभाव के कारण राज्य में पशुवध निषेध को लागू किया कि पशु वध को कोई नहीं, पशु का वध नहीं कर सकता ऐसे में, तो वो बात जो इन्होंने बताई थी, कही थी, वो 1583 में कही थी 1583 में। दोस्तों इतनी बातें जो है अकबर को लेकर के देखने को मिलती हैं।
बाकी आप डिटेल में यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने बता दी हैं, बाकी सब कुछ डिटेल में आपका अकेडमी पर पढ़ाया जाएगा। जल्दी ही आपका कोर्स वहाँ पर अवेलेबल होगा। जो चीज़ मैंने यहाँ पर अभी बताई है, इसमें से कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या है, दिक्कत है, तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इलेक्ट्रॉनिक स्टडी को लाइक कमेंट भी कर दिया करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों सहपाठियों के साथ में। नेक्स्ट वीडियो आपका जल्दी ही आपके सामने होगा, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।